प्रधान से आपको बता दें, जहां पर इस बार प्राकृतिक आपदा के लिए की गई तैयारियों की पोल खुलकर सामने आ गई है। अब तक हर वर्ष मानसून के पहले जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और राजस्व विभाग मिलकर बरसात के समय होने वाले प्राकृतिक आपदा के बचने के लिए टीम गठित करती है, साथ ही लोगों की सुरक्षा के लिए तैयारियां की जाती हैं। लेकिन इस साल हुई बारिश ने सबकी पोल खोल दी है। अब तक बाढ़ में बहने से जहां पर 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं आकाशीय बिजली गिरने से भी 6 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। यही नहीं, बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने में भी गोताखोर टीम के पसीने छूट गए। ऐसे में अब अधिकारी लोगों में जागरूकता लाकर प्राकृतिक आपदा से बचने की बात कह रहे हैं। काफी ज्यादा हुई है, हमारे जो सभी रिजर्वायर हैं वो सभी 100% फुल चल रहे हैं और सभी जगह इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोगों द्वारा हमारे जो कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी भी लगाई गई है, नगर सेना के जवान भी लगे हुए हैं। बस मेरे द्वारा ये अपील की जाती है कि लगातार बारिश हो रही है और फ्लैश फ्लड की यहाँ ज्यादा समस्या रहती है, खासकर जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पे। रुकर्ता के लिए खबर का पंडित कुंजीलाल दुबे, राजकीय संसदीय विद्यापीठ भोपाल के पुरस्कार वितरण समारोह।